सो अगर आपका दिल कमज़ोर है तो ये ड्रामा आपको नहीं देखना चाहिए। लव ट्रायंगल पे बेसिस ये फ्रेंडशिप से भी ज़्यादा इस स्टोरी है, बहुत ही यूनिक स्टोरी। बहुत समय बाद ऐसी कुछ स्टोरी मुझे देखने को मिली। तो चलो बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा एपिसोड पार्ट वन। सो कहानी के स्टार्टिंग में हमारे दोनों मेन लीड ली और चो दोनों दिखाई देते हैं और दोनों काफ़ी खुश दिख रहे होते हैं क्योंकि आज माहौल में मतलब मार्केट में जैसे कुछ परेड चल रही है और बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो ली और चो एक लड़की को देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और अपना ली जो बेचारा होता है उसे देख के तो मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा शरीफ होता है तो चो उसे उसी के आगे धक्का दे देता है। तो जैसे उसके आगे जाता है तो उसे मतलब उस लड़की का नाम सोफिया होता है जो कि हमारे फीमेल लीड भी है और उसे देख के वो एकदम से स्टन हो जाता है। सो हमारा शर्मिला ली एकदम से खड़ा रहता है, उसके गाल लाल हो गए होते हैं। इधर सोफिया बहुत ही खुश दिखाई पड़ती है और वो उसे एक बाई आँख मारती है और साथ ही साथ उसे फ्लाइंग किस भी देती है। सो भाई उसके तो गाल एकदम से लाल ही हो जाते हैं। सो चारों बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल था, एकदम चहल पहल हो रही होती, लेकिन अचानक से हमें दिखाई देता है कि हमारा ली जो है एक कैद खाने में फंसा हुआ है और उसका मुंह कपड़े से बांधा हुआ है और उसके चेहरे पे काफ़ी चोट लगी हुई है। अचानक से इतना हंसता हुआ चेहरा देखकर, सडनली से ऐसा चेहरा देखकर मुझे तो काफ़ी अजीब लग रहा था। जहाँ पर लोग बोल रहे थे बाहर आओ मैं तुम्हें देख लूँगा, इस तरह की बातें हो रही थी। ये हमारा ली हो गए। तो उसके बाद वो कहानी सोचना स्टार्ट करता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। सो कहानी हमारी कुछ समय पहले चली जाती है जहाँ पर ली हमारा बहुत ही जल्दी जल्दी में खाना खा रहा होता है। उसके पापा भी बोल रहे होते जल्दी खाना खाओ, तुम्हें बहुत दूर जाना क्योंकि उसका स्कूल बहुत ही दूर होता है। साथ ही साथ उसकी बहन बेटियाँ मतलब उसकी जो बहन होती है वो बैठी होती है और उसकी माँ भी होती है। दूसरी तरफ हमारा वो जो होता है वो काफ़ी अमीर परिवार का लड़का होता है और जिसके ग्रैंडफादर जो होते हैं वो बहुत ही फेमस होते हैं। सो कहानी में सिंपल सी बात है, ली जो है हमारा वो बहुत ही गरीब परिवार का है और अपना वो जो है वो काफ़ी अच्छा समृद्ध परिवार का है। उसके पास सब कुछ है और उसे काफ़ी दुलार प्यार मिलता है। सो वो जो के ऊ के पापा जो होते हैं उसके यहाँ पर ली के पापा काम करते हैं तो उसके अंडर होता है, लेकिन यहाँ ये दोनों दोस्त एक बराबर होते हैं, एक जैसा होते हैं। तो जो ली की जो माँ होती है जो गरीब होती है वो बोलती है तुम लोग बहुत अच्छे साथ में दिखते हो, भाइयों जैसा दिखते हो, और मतलब हंसने लगती है। लेकिन इस बात से वो की जो माँ होती है बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा करती है क्योंकि वो चिढ़ती है कि कैसे मेरे बेटे को अपने बेटे के साथ वो कंपेयर कर सकती है। तो ली और वो जो है एक ही स्कूल में पढ़ते हैं तो वो जो है स्कूल की ओर निकलते हैं तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि अपना वो जो होता है वो एक मूवी दिखाता है जो कि 18+ मूवी होती है। तो यहाँ पर अपना ली बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या? तो ली बोलता है तुम डरते क्यों हो यार, क्योंकि वो तो अमीर बाप का बेटा होता है, उसे किसी बात का डर नहीं होता है। बोलता है चलो यार बहुत ही मज़ा आएगा। तो वो बोलता है कि अरे यार हम लोग 18+ है नहीं, कैसे हम जाएंगे? तो वो बोलता है कि अरे हमारे मेरे पास एक उपाय है, चलो ना बहुत ही मज़ा आएगा। सो ये सब बातें हो ही रही थी तभी वहाँ पर सीट खाली हो जाती है और अपना वो जो होता है वो बैठ जाता है। ओबियसली ली जो है वो गरीब है तो वो नहीं चाहेगा कि वो बैठ जाए और उसका अमीर दोस्त वहाँ पर खड़ा रहे, तो उसे बैठने देता है। तभी वहाँ पर एक सीनियर आ जाता है, बोलता है तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, चलो उठो यहाँ से। देन उसके बाद अपना वो बोलता है तुम इतने भी मतलब बूढ़े नहीं दिखते हो जो मुझे कि मतलब इतने भी सीनियर नहीं हो कि मैं उठ जाऊँ और तुम्हें बैठने दूँ। सो ये सीन सीधे फाइट वाले सीन में हो जाता है और वो को थोड़ा भी डर नहीं लगता क्योंकि ली जो है वो उसके साथ ही होता है हमेशा। सो ली जो होता है वो एक गरीब फार्मर का बेटा होता है, ओबियसली उसके पास इतनी ताकत होगी वो एक साथ 5 लोगों को भी मार सकता है, इसलिए ली किसी से डरता नहीं है और वो किसी से पंगा लेने में सोचता नहीं है। तो यहाँ पर वो उससे लोग मतलब वो जो लड़का होता है वो ली को छूने की भी कोशिश मतलब मारने की कोशिश करता है तो उसे छू तक नहीं पाता है। तो अपना वो कहता है हम लोग को देर हो रही है जल्दी करो निपटाओ उसे। तो उसके बाद ली बोलता है अच्छा ठीक है। उसके बाद वो एक मुक्का ही मारता है, वो बंदा वहीं पर गिर जाता है। नहीं उसके बाद अगले सीन में वो लोग स्कूल के लिए भाग रहे होते हैं जो कि काफ़ी लेट हो चुका होता है क्योंकि वो लोग फाइट में इन्वॉल्व हो गए होते हैं। तभी देखते हैं कि गेट जो है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है और वो लोग बाहर ही रह जाते हैं। देन उसके बाद अपना ली बोलता है क्या हम करें? तो अपना वो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं चलो। उसके बाद वो लोग थोड़ा सा साइड में आके आते हैं, एक कपड़ा निकालते हैं और अपने पिछवाड़े पे लगा लेते हैं ताकि जब उन्हें डंडे पड़े तो उन्हें दर्द ना हो। भाई ये आइडिया तो कभी हमको नहीं लगता किसी को जल्दी आया होगा। नहीं उसके बाद वो लोग मोटा मोटा कपड़ा निकालते हैं और अपने बम पे लगा लेते हैं। सो लिटरली ये आइडिया भाई मैंने तो कभी देखा नहीं था और मुझे ये सीन देखकर बहुत ही हंसी आ रही थी। देन उसके बाद वो लोग लगा के सीधे वहाँ जब लोग उन लोगों जब पिटाई होना शुरू हो जाती है तो वो लोग जानबूझ के चिल्लाते हैं कि हाँ मुझे भी दर्द हो रहा है। तो उसके बाद वो जैसे वो उसे मारता है जानबूझ के कहता है आ, लेकिन जो गार्ड होता है बोलता है तुम दोनों गधे, तुम लोग पढ़ने में तेज हो तो तुम लोग यार क्या समझते हो कि प्रिंसिपल तुम लोग को छोड़ देगा लेट आने पे भी। सो उन्हें पिटाई होती है लेकिन वो लोग अपना जानबूझ के मतलब दर्द में चिल्लाते हैं लेकिन बाद में हंसने भी लगते हैं।
सो क्लास स्टार्ट होते ही अनाउंसमेंट होता है कि अपना ली जो होता है, ली ने फर्स्ट मार लिया है, पहली क्लास में पहली पर आया है और दूसरी पर हमारा वो आया है। तो दूसरी तरफ ली की जो माँ होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है वू की माँ से, क्योंकि वो बोलती है कि हम किसी से कम है क्या, भले ही हम लोग गरीब हैं लेकिन हमारे पास भी तो टैलेंट है, हम क्या मैं जो कर सकती हूँ वो ऐसा कर सकती है। तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। तो उसके पापा बोलते हैं तो तुम वहाँ पर गई ही क्यों, तुम जब जानती हो और मैंने तुम्हें मना किया है उसके पास नहीं जाना, क्योंकि जो ली के पापा होते हैं वो वू के पापा के ही अंडर में काम करते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं या डर कह लो जो नो करते हैं। तो बोलते हैं दोबारा उसके वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है और उसके खिलाफ़ तो कुछ सुन ही नहीं पाते हैं। सो अगले सीन में अपने ली और रू चल जाते हैं सिनेमा देखने के लिए, लेकिन वो मूवी थिएटर के पीछे से जाते हैं तभी वहाँ पर हमारी फीमेल लीड वहाँ पे आ जाती है, बोलती है हे क्या कर रहे हो तुम लोग, हे तो वो लोग डर जाते हैं अचानक से कि यहाँ पर कौन आ गया। देन वो लोग बोलते हैं क्या तुम हमसे बात कर रही हो, तो क्या यहाँ पर कोई और दिख रहा है क्या। सो अपना वो बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम अपना काम करो, हम यहाँ पर आए हैं। मतलब यहाँ पर असल में बात ये होती है कि ये जो सिनेमा हॉल होता है वो हमारी फीमेल लीड का ही होता है। तो बोलता है तुम लोग यहाँ बैकडोर से अंदर आने की कोशिश क्यों कर रहे हो, तो अपना वो बोलता है कि हमारे पास सोर्स है इसीलिए हम आए हैं, हमारा एक खास आदमी अंदर है। और अपने ऊ को मतलब ये विश्वास नहीं होता है कि सिनेमा हॉल जो है इस लड़की का, ये बोलता है चुपचाप से चली जाओ। तो लड़की बोलती है चुपचाप से मेरे रास्ते आ, तो वरना मैं किसी को बुला रही हूँ। तो उतनी देर में उनका जो एक आदमी होता है जो थिएटर चला रहा होता है वो पीछे से दरवाज़ा खोलता है। सो हमारी सोफिया जो होती है वो बोलती है कि आप लोगों ने आपने इन लोगों को अंदर आने क्यों दिया। तो वो आदमी बोलता है कि अरे ये मेरे दोस्त के कुछ रिश्ते मतलब लगते हैं इसीलिए उन्होंने ऐसा करके, वो बोलता है कि ये बहुत बड़ी स्टोरी है छोड़ो ना इनको। सो अपनी सोफिया बोलती है मैं कुछ नहीं जानती, इन लोगों को बाहर निकालो यहाँ से। देन अपने इस बात पर वो अपना गुस्सा हो जाता है, बोलता है हे क्या तुम्हारे पापा जाते हैं कि तुम बैकडोर से आके अपने यहाँ पर मूवी देखती हो। सो यहाँ पर उन लोगों को फिर से बहस होना स्टार्ट हो जाता है, तो धक्का धक्की में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो अपना ली होता है उन लोगों को संभाल लेता है, बोलता है हे काम डाउन आखिर ये उसी का तो सिनेमा हॉल है। देन उसके बाद तीनों के तीनों जाके वो मूवी देखना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर अपनी सोफिया उस मूवी को देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, उसके आंसू बहने लगते हैं। लेकिन हमारा ली जो होता है वो अपनी सोफिया को ही देख रहा होता है, क्योंकि वो भाई उसके ऊपर एकदम मरी मीठा हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ हमारा वो जो है वो भी उसी की तरफ देख रहा था कि ये बंदी रो क्यों रही है भाई। सो मूवी खत्म होने के बाद अपना ली जो होता है बहुत ही प्यार से बोलता है हमने मूवी बहुत अच्छे से इन्जॉय किया तुम्हें, थैंक यू। तो वो बोलते अपना वो बोलता है इसे क्यों थैंक यू कह रहे हो, ये भी तो चुपके से यहाँ पर आई है मूवी देखने के लिए, ये सिनेमा हॉल इसके पापा का है इसका नहीं है, इसलिए ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर लोग फिर से बहस करने लगते हैं। इतने देर में अपनी ली की नज़र उन लड़कों पे पड़ती है जो कि उन लोगों से फाइट हुआ था, और जबकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा थे और इन लोगों के साथ में एक लड़की थी। तो बोलते हैं कि क्या करना चाहिए हमारा, तो अपना वो बोलते हैं हे हे भागो भागो और कोई उपाय नहीं है मतलब भागो। सो उनके पीछे वो लोग दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो अपनी सोफिया को पता नहीं होता कि भाई क्या चल रहा है, लेकिन उसे बस इतना पता होता है कि ये बंदे भाग रहे हैं, वो हमारे पीछे हैं तो हमें भी भागना ही चाहिए। लेकिन मज़े की बात तो ये होती है कि सोफिया हमारी उन दोनों लड़कों से तेज भाग रही होती है, तो हमारा वो देखता है बोलता है हे हे उसको देखो वो कैसे भाग रही है। देन उसके बाद वो लोग एक गोडाउन में जाके छुप जाते हैं, जहाँ पर अपना वो होता है वो अचानक से मजा करता है, अरे वो देखो नीचे क्या है वो चूहा। उसके बाद अपनी सोफिया चिल्लाने लगती है, तभी अपना ली उसका मुँह बंद कर देता है, ए मैं मजाक कर रहा था। सो इस बात पे ली और सोफिया दोनों शौक हो जाते हैं भाई कि ऐसे समय में कोई कैसे मजाक कर सकता है, तो वो तो उसे कान ही मोड़ देती है। सो बाहर खड़ा हुआ लड़का उनको मतलब इनकी आवाज़ आ जाती है, तो वो जैसे ही अंदर की ओर आता है तो लोग हाइड एंड सीख खेलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मजे की बात ये होती है कि सोफिया और अपना ली यहाँ पर थोड़े से पास आ जाते हैं, जैसे ही वो गर्दन पे उसके हाथ रखता है तो वो उसे लगता है कि मैंने कुछ गलती कर दिया, तो वो पीछे मुड़ता है, जैसे पीछे मुड़ता है तो सोफिया उसे पकड़ लेती है, क्या रे वो पीछे ही है। तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा सा मतलब आई कॉन्टेक्ट होता है, जो कि हमारा ली का चेहरा देखने लायक होता है भाई, उसका चेहरा तुरंत इतना लाल हो जाता है कि मैं क्या ही बोलूँ। सो फाइनली वो तीनों बच जाते हैं। उसके बाद तीनों जब बाहर निकलते हैं तो हमारी सोफिया जो होती है बोलती है कि दोबारा मुझे दिखना मत तुम दोनों, और दोनों को एक एक लात ऐसा मारती है, मतलब वो अपना वो जो होता है वो शो ऑफ कर रहा होता है ये सब मेरे पापा का, ये तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारी सोफिया यहाँ पर बहुत ही गर्म होती है कि इनके साथ रहने पर मुसीबत ही होती है, सो बोलती है कि दोबारा मुझे दिख मत जाना वरना मैं तुम लोगों की जान ले लूँगी। सो उसके बाद तो हमारे ली को हमारी सोफिया को इतना लगा हो जाता है कि वो उसी के बारे में सोचता रहता है कि उसे कैसे सॉरी बोलूं, तो वो उसके लिए लेटर लिख रहा होता है कि ये सब एक गलती से हो गया है, ये सब मतलब बातें हो रही थी। तभी हमारा वो वहाँ पर पीछे से आ जाता है और ली हमारा उसी ख्यालों में खोया हुआ होता है, तो वो जैसे पीछे से आता है तो वो देखता है कि वो कुछ लिख रहा, तो अचानक से वो जो लिख रहा होता है उसे अपने हाथों में ले लेता है। उसके बाद वो देखता है अरे ये तो लव लेटर है, क्या तुम लव लेटर लिख रहे हो।
सो अपना लिए यहाँ पर बात घुमाते हुए कहता, नहीं 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 मैं तो बस उससे माफ़ी मांगना चाह रहा था, हमारी वजह से कितना उसे दिक्कत हुआ है। देखो अपना वो जो है वो समझ जाता है कि भाई, बोलता अच्छा तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है, बोलता लाल गर्मी इतनी ज़्यादा है ना इसीलिए। अरे मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है यार, देखो मुझे मैंने उसके बारे में सब कुछ पता लगा लिया है, ये वही लड़की है जो हमें परेड में मिली थी, तुम्हें याद है ना। उसके बाद ली बोलता अच्छा ये वही लड़की है क्या। सो अपना वो बोलता है चलो एक दूसरे से ऑनेस्ट हो जाते हैं, देखो मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, मुझे पता है वो तुम्हें भी पसंद है, तो क्यों ना हम लोग डिसाइड कर लें, उसी से मतलब जाके पूछ ले भाई वो किसको डेट करेगी ऐसा कुछ, क्योंकि वो सारी बातें बता देती है, बता देता है कि मुझे सारी बातें पता चल गई है कि वो कहाँ रहती है, कहाँ पढ़ती है और क्या क्या करती है। सो वो बोलता है कि चलो देखते हैं वो किसे पसंद करती है, तुम मुझे बीट कर सकते हो क्या। तो वो बोलता है नहीं मुझे तुमसे कोई कंपटीशन नहीं करना है, क्योंकि आप जानती हो कि वो क्यों ये सब चीज़ें कर रहा है। तो बोलता है चलो ना फेयर करते हैं, वो असल में उसको भी तो डिसाइड करना होगा हम दोनों में जो किसे पसंद करती है। तो यहाँ पर बात पक्का हो जाता है कि वो अब दोनों मिलकर सोफिया को प्रपोज करेंगे भाई, मतलब डेट के लिए पूछने वाले हैं। सो रात हो जाती है तो ली और जो दोनों एक साथ होते हैं, तो वहीं पर अभी उसके पापा, दोनों के पापा साथ में आते हैं, जहाँ पर जो के पापा जो होते हैं वो ड्रिंक करके आते हैं, क्योंकि उसी के राइस मतलब वो उसके पापा जो एक राइस मिल चलाते हैं उसी से वो वाइन बनाते हैं, तो काफ़ी ड्रिंक भी करते हैं। सो यहाँ पर उसके जो ली के पापा उसे लेकर आते हैं, जो कि समझ लो उनके गुलाम है या सर्वेंट नौकर ऐसा बोल सकते हैं, तो वो उसे लाके, और ऐसा लगता है सभी गाँव वाले जो है वो के पिता का काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर वो अपनी मतलब वो के पापा बुलाते हैं, वो अपने बेटे को बोलते हैं कि तुम्हें अपने दादाजी की तरह बनना है, ये तुम्हें एक बात याद रखना है कि गोरा गोरा होता है और काला काला होता है। ये बात सुनकर ली जो है ली को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो असल में गोरा नहीं होता है। सो ली के जो पापा होते हैं वो के पापा की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं या फिर डरते हैं पता नहीं, लेकिन यहाँ पर वो उसे वो को समझाते हैं कि तुम्हें सच में अपने दादाजी की तरह बनना है और मतलब बहुत अच्छा इंसान बनना है, ये सब चीज़ें उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो ली वहीं पर देख रहा होता है कि उसके पिता दूसरे की तारीफ़ मतलब उसके बेटे की तारीफ़ कर रहे हैं, दूसरे के बेटे की, और उसके वो वहाँ पर देख रहा होता है अंदर अंदर, वो ऐसा लगता है कि जैसे वो घुट रहा होता है, ये सब चीज़ बातें उसे बहुत हर्ट करती हैं। देन उसके बाद ली और उसके पापा मतलब उसके बाद वो लोग घर जा रहे होते हैं, तभी उसके पापा बोलते हैं मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, आज मैं तुम्हारे टीचर से मिला और तुम्हारे टीचर ने बताया कि तुम क्लास में सबसे फर्स्ट आए हो, इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि दोबारा फर्स्ट मत आना। तो अपना ली बोलता है क्या मैं समझा नहीं, तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हारा जो दोस्त है मतलब वो जो है वो तुम्हारे वजह से सेकंड आ जाता है, जिसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है, उसके फैमिली परेशान रहते हैं, यहाँ तक कि वो रोता भी है, तो दोबारा फर्स्ट कभी मत आना, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना। सो ली इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है कि मतलब खुद का पिता जो है वो बोल रहा है कि वो दूसरे के लड़के से कभी भी फर्स्ट मत आना, इसलिए वो बोलते हैं कि तुम जानते हो हमारा जो खाना पीना हर चीज़ है उन्हीं के बदौलत चल रहा है, हम लोग गरीब किसान हैं, हम लोग उसे हर्ट नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ दोबारा फर्स्ट मत आना, ठीक है क्या तुम मुझसे ये वादा कर सकते हो। तेरा अपना ली बोलता है कि ये मुझे कब तक करना पड़ेगा। सो उसके पिता बोलते हैं कि ये तुम्हें हमेशा करना पड़ेगा, तुम्हारा मतलब समझ रहे हो ना कि भाई गरीबों की क्या मजबूरी होती है, वो एक अमीर आदमी के यहाँ काम करते हैं। तो उसके पापा ये सब मतलब बोलते हैं तो मुझे भी ली के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है। सो वो बता उसके पापा मतलब इस तरह बोलते हैं कि एक कुत्ते मतलब एक गाय को और सुअर को अपनी जगह जाननी चाहिए। सो वो एक तरह से उसे बेइज्जत कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसके जो वो के पिता होते हैं वो ड्रंक करके ये सब बातें उसके पिता से बोल रहे होते हैं। तो ये सब मतलब समझ रहे हो ना कि मुझे ली के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। सो बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे ये वादा कर सकते हो। सो अपना ली मजबूर होकर बोलता है कि हाँ ज़रूर फादर मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन इसके पिता भी यहाँ पर गलत नहीं थे, वो अपनी मजबूरी बता रहे थे, लेकिन वो उसे एक उसके लिए एक जूता लेकर आते हैं, बोलते हैं ये जूता मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, लेकिन दोबारा से बेटा मेरा फर्स्ट मत आना, ठीक है। सो अगले दिन हमारे ली और वू जाते हैं उस लड़की को ढूंढने के लिए, क्योंकि वू को पता होता है वो लड़की कहाँ मिलेगी। तो ली उसे अपने कंधे पे उठाया हुआ होता है और वो उसे देख रहा होता है, तो ली बोलता है हे क्या तुम्हें वो दिख रही है क्या। सो वो बोलता है नहीं अभी तो कुछ भी नहीं दिखी है। तभी वहाँ पर वो सारे लोग लड़कियाँ जो होती हैं गर्ल्स हॉस्टल रहता है वहाँ पर सभी के सभी लोग आने लगते हैं। सो हमारा वो उसे देखने में लगता है कि वो लड़की कहाँ पे है। ली भी बोल रहा है तुमने उसे देखा क्या क्या तू देखो मुझे भी बताओ ना जल्दी बताओ ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, वो खुद चाहता है कि भाई सोफिया को वो देखे।
जैसे उसकी नज़र वो की सोफिया पे पड़ती है भाई, वो वहीं पर मतलब एकदम शौक में स्टेचू होता है ना वो बन जाता है। तो अपना ली बोलता है, हे तुमने देखा कि नहीं, अरे बताओ मुझे भी तो बताओ, क्योंकि वो भी देखना चाहता था कि उसे तो ये गधे बता मुझे ऐसे बोलता है, मतलब गधे नहीं बोलता है, मतलब बोलता है अरे पहले मुझे भी तो बता। उसके बाद वो उसे वहीं पर नीचे गिरा देता है, तू यहीं पर बाहर में रहा, मैं जाऊँगा मैं देखूँगा, क्योंकि मुझे भी तो देखना है, क्योंकि उसकी फीलिंग्स में यहाँ पर समझ रहा था कि वो क्या ही फील करता है। देन उसके बाद वो खुद ही उस दीवार पे चढ़ जाता है और सोफिया को जिस नज़र से देखता है भाई मेरे, वो एकदम मतलब देख के मग्ध होता है ना, होते एकदम एक्सट्रीम लेवल में खुश हो जाता है। तो दोनों के दोनों जो होते हैं उसके प्यार में गिर चुके होते हैं, देख कर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और अपने हाथ हिलाते हैं, लेकिन वो सोफिया जो है उन लोगों को देख नहीं पाती है। दोनों के दोनों अगले दिन मतलब उसके स्कूल के बाहर खड़े हो जाते हैं, उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। सोफिया जैसी आती है अपना, वो उसे बोलता है हाय कैसे हो, मतलब एकदम कैजुअल बिहेव करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा ली जो है छुप के पीछे ही खड़ा होता है। अपना वो उसे भी आगे कर देता है, बोलता है तू भी आई इधर आ, बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर, एक मिनट रुको, मैंने तुम लोग को बोला था कि अगर तुम लोग मुझे दिख जाओगे तो तुम लोग को मैं क्या करोगे। तो दोनों मिलके बोलते हैं कि तुम हम लोगों की जान ले लोगी, हाँ बिल्कुल, तो फिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, इतना बोलना ही था। उसके बाद अपना जो सोफिया होती है वो काफ़ी टैलेंटेड होती है, आपको देख के लगता है। तो वो जो ब्रूसली का चॉपस्टिक जो होता है बोलता है ना उसे, तो वो उसे निकाल के उसके बाद उन लोगों को ऐसा डराती है क्या, उन लोगों को मारना शुरू कर देती है भाई। तो उसके बाद वो अपना वो बोलता है हाँ मैं इसे जानता हूँ, ब्रूसली, बोलते हाँ ब्रूसली, अब ब्रूसली की मार भी खाओगे तुम लोग, अब पहले ये बताओ तुम ऐसे मरना कौन चाहता है पहले। तो उसके बाद अपना वो बोलता है मरने से पहले हमारी एक इच्छा है, क्या उसे पूरा कर सकती हो तुम। देन उसके बाद हमारी सोफिया बोलती है कि इससे पहले मैं तुम्हें अगर जान से ही मार दूँ तो। देन उसके बाद वो उन लोगों को पिटाई शुरू करती है और भाई वो किसी को भी नहीं छोड़ती, दोनों को बहुत बुरी तरीके से मारना स्टार्ट कर देती है। लेकिन इतनी पिटाई के बाद दोनों को वो डेट पर लेके चली जाती है, मतलब उनको खिलाने लेके चली जाती है। उसके बाद वो बोलती है हाँ बको तुम लोग क्या बक रहे थे, और दोनों वाले मतलब मासूम से पंछी वहाँ बैठ के बस सोफिया को देख ही रहे थे। लोग सोफिया को अपनी सारी बात बताते हैं, मतलब तुम लोग मुझसे डेट करना चाहते हो तुम दोनों। देन उसके बाद दोनों मुंडी लाते हैं हाँ हाँ हम दोनों डेट करना चाहते हैं। उसके बाद वो फिर से उन लोगों को मारने की कोशिश करती है। अपना वो हिम्मत करके बोलता है प्लीज़ हम दोनों में से किसी एक को चुन लो, वरना हम लोग को मार ही दो, ठीक है, अदरवाइज़ हम यहाँ से तुम्हें जाने नहीं देंगे। और ली हमारा उसकी तो सांसें रुकी रहती, बोलती हाँ, मतलब उसकी आवाज़ ही अलग हो जाती है भाई, मतलब वो इतने डरा हुआ रहता है उससे कि मैं क्या ही बोलूँ। हमारे सोफिया बस उन लोगों से मतलब इतना डिटरमाइंड लोग थे कि वो लोग वो खुश हो जाती है, बोलती है अच्छा बोलो किसके साथ मुझे डेट करना चाहिए, तुम्हारे साथ या तुम्हारे साथ, और ये तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है, ली को बोलती है। तो हाँ मुझे लग रहा है, लेकिन मैं, क्योंकि वो भी उसे चाहता ही था भाई, सिंपल सी बात है, पर तुम बहुत खूबसूरत हो, वो ऐसा बोल देता है। उसके बाद हमारी सोफिया जो है उसकी हंसी रुकती ही नहीं है, और वो इतना तेज़ हंसने लगती है कि वो ये कितना ज़्यादा भोला है, और सभी लोग उसको देखने लगते हैं, वो इतनी तेज़ हंसने लगती है। अपना ली बोलता है हंसो मत, मैं इस लाइन के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ तुम्हारे लिए। सोफिया हंसते हुए कहते हैं अच्छा ठीक है, और तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। देन अपना वो सोचने लगता है मैं ऐसे तुम्हारे लिए जान तो नहीं दे सकता, लेकिन उसके बाद वो ऐसा करने के बाद अपने कपड़े उतारने लगता है, बोलता है अगर तुम मेरे साथ डेट पे नहीं गई ना तो मैं देखना मैं सारे कपड़े उतार के तुम्हारा नाम अपना टैटू करवा लूँगा यहाँ पर। तो उसके बाद वो सोफिया फिर उसी से लेके उसे मारने लगती है, बैठो गधे कहीं के कपड़ा पहनो जल्दी से, ये क्या कर रहे हो। देन सोफिया कहती है मतलब तुम दोनों का दिमाग घुटनों में ही है, लेकिन मैं सोच सकती हूँ। वो बोलती है कि ठीक है मैं तुम लोगों से दोस्ती कर लेती हूँ और एक साल का समय देती हूँ, जो मुझे ज़्यादा इम्प्रेस कर लेगा, जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा उसी के साथ मैं पहले डेट पे जाऊँगी या फिर उससे प्यार करूँगी, मतलब आप समझ ही सकते हो। देन उसके बाद वो लोग मतलब खुश हो जाते हैं कि एक साल ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अपना वो जो होता है वो बोलता है कि एक साल कुछ ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन अपना ली बोलता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें देख के खुश हो जाऊँगा, ऐसा वो कहता है। तो यहाँ पर वो मुझे दिखता है कि अपना ली जो है भले ही शर्मिला है, लेकिन वो अपनी सोफिया को चाहने लगा है। लेकिन अपने ली को उसके पापा की बात याद आ जाती है कि कभी भी नंबर वन नहीं बनना है। लेकिन उसके बाद अपना ली बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम अपने वो को मतलब डेट कर सकती हो। लेकिन अपनी वो बोलती है कि हे दोनों बैठो साथ में, अगर मैं करूँगी तो तुम दोनों को देख के करूँगी, मतलब क्योंकि वो उसे अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है वो को कि वो चाह के भी अब नंबर वन नहीं बन सकता है।
सो यहाँ पर सोफिया पूछती है कि तुम दोनों का रिश्ता क्या है। तो अपना ली तो बोलता है कि मतलब भाई ये मेरा बड़ा भाई है, लेकिन अपना वो बोलता है कि हम लोग फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पर दोनों एक साथ बोलते हैं, तो यहाँ पर फिर अपना वो सोचने लगता है कि यार इसने तो मुझे भाई बोल दिया। तो बोलता हाँ हाँ ये मेरा मतलब भाई जैसा ही है, बस मैं इससे थोड़ा सा बड़ा हूँ और हम लोग की फैमिली भी बहुत क्लोज है। सो देन सोफिया डिसाइड करती है कि मैं तुम लोगों को डे मतलब साथ रहूँगी, जो मतलब जो होता नहीं है फर्स्ट मिलूँगी तो पहचानूँगी जानूँगी, उसके बाद हम फर्स्ट डेट मुझे किसके साथ जाना है मैं वो डिसाइड करूँगी। सो यहाँ से होती है लव वाली दोस्ती स्टार्ट। देखो आगे ये ड्रामा अभी तो बहुत मध्यम चल रहा था, स्टार्टिंग आपका बेस ऐसा है, उसके बाद कहानी बहुत ही इतना ट्विस्ट है कि मैं क्या ही बताऊं। तो दोनों के दोनों मतलब तीनों एक दूसरे के अभी तो फ़िलहाल दोस्त बन जाते हैं, जो मूवी देखते हैं, बीच पे जाते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, तो इनकी पार्टी शुरू हो जाती है। और नेक्स्ट पार्ट का वेट करो भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा यार, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने देखा है। सो जल्दी से वेट करो नेक्स्ट पार्ट का, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, ये एपिसोड बहुत ही ऑसम ड्रामा है। और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अगर कर सकते हो भाई प्लीज़। और तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वेट करो, बाय बाय।